मान लीजिए कि धरती पर से ऑक्सीजन गायब हो जाती है, हमेशा के लिए नहीं, बस 4 या 5 सेकंड के लिए। मान लीजिए कि सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना रहे। एक लंबी सांस लें, कितना अच्छा महसूस होता है ना। आप सांस लेते वक्त जो अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है। ये हमारे वातावरण का 21% है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है। हालांकि ये हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नहीं है, पर ये सबसे अहम है। ऑक्सीजन के बिना पेड़ पौधे, जानवर, पानी और हम इंसान, इनमें से किसी का भी वजूद ना होता। 5 सेकंड ऑक्सीजन के बिना रहना सुनने में कोई लंबा वक्त नहीं लगता। हम में से ज्यादातर लोग कम से कम 30 सेकंड तक बगैर सांस लिए रह सकते हैं। आपके शरीर को कुछ महसूस होने से पहले ही 5 सेकंड गुजर चुके होंगे। आपकी सांसों पर असल में इसका असर नहीं होगा, लेकिन बाकी चीजों का क्या, उन पर असर होगा। सिर्फ 5 सेकंड में धरती पूरी तरह से अलग दिखने लगेगी। ऑक्सीजन के बगैर आप हूवर डैम, पैंथियन एंड डोम या कंक्रीट से बनी किसी भी चीज को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। ये ढांचे तुरंत ही ढह जाएंगे। ऑक्सीजन कंक्रीट को बांधे रखने में एक खास भूमिका निभाती है। इसके बगैर कंक्रीट केवल धूल है। इमारतों का जिक्र कर ही रहे हैं तो किसी भी तरह की धातु तुरंत एक दूसरे में मिलने लगेगी। ये इसलिए कि धातुओं के ऊपर ऑक्सीडेशन की एक परत होती है जो उन्हें आपस में जुड़ने से रोके रखती है। इस परत के बगैर धातु आपस में बंधने लग जाएंगे। अगर आप उस वक्त बीच पर धूप सेंक रहे हैं तो आपके झुलसने का यानी गंभीर सनबर्न का भी खतरा हो सकता है। सूरज की यूवी किरणों से हमें बचाए रखने वाली ओजोन परत ऑक्सीजन की बनी होती है। अगर आप ऑक्सीजन हटा देते हैं तो धरती बेहद गर्म हो जाएगी। हमें सूरज की यूवी किरणों से बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। धूप से झुलसने के अलावा हमारे कान का अंदर वाला हिस्सा भी फट सकता है। ऑक्सीजन ना होने का मतलब हवा का 21% दबाव ना होना। हवा के दबाव में इतना बड़ा बदलाव अचानक समुद्र स्तर पर पहुंचने और एक बार में 2000 मीटर नीचे जाने के बराबर होगा। हमारे कानों के पास इसमें ढल पाने जितना वक्त नहीं होगा। मजा आ रहा है? ज्यादा देर तक नहीं। ऑक्सीजन के बगैर आग भी नहीं होगी। गाड़ियों में जो कंबस्चन होता है वो भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी वाहन जो इलेक्ट्रिक नहीं है अपने आप बंद पड़ जाएगा। विमान हवा से नीचे गिरने लगेंगे और लाखों गाड़ियां अपने रास्तों पर रुक जाएंगी। आसमान पूरी तरह काला पड़ जाएगा। धरती पर पहुंचने के पहले सूरज से आने वाली रोशनी हवा में कई तिनकों से टकराती हुई आती है। वातावरण में ऑक्सीजन ना होने से रोशनी के पास टकराने के लिए कम चीजें होंगी और आसमान काला नजर आने लगेगा। और हाँ, ये सब होने के साथ साथ धरती का क्रस्ट पूरी तरह से ढह जाएगा। ये इसलिए कि धरती का क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बना है। ये क्रस्ट टूटने लगेगा और तब तक टूटता रहेगा जब तक ये आपको और धरती पर रह रहे सभी लोगों को ग्रेविटी से आजाद ना कर दे। सुनने में मजेदार है? शायद नहीं। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा होने की संभावना नहीं है तो आप 21% ऑक्सीजन में जी भरकर सांस ले सकते हैं। ऐसी और दिलचस्प चीजों के बारे में जानने के लिए देखते रहें फैक्ट्स बाय VSB चैनल।